सिर्फ बॉडी है, सर काटा हुआ है। आदमी है या औरत? औरत है सर। लगभग 40-45 के आसपास की उम्र होगी। बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। कातिल ने पहले मारा होगा और उसके बाद सर काटा है। बॉडी के स्वेलिंग से लग रहा है कि मर्डर लगभग 15-20 घंटे पहले हुआ। और एक बात सर, बॉडी को एक न्यू ब्रांड सूटकेस में डालकर मीरा रोड स्टेशन के बाहर फेंका गया था। फिर वो बैग यहाँ कैसे आई? सर एक सफाई कामगार वाला है, उसे मिली थी बैग। उसने बैग को खोला था या सिर्फ इन्फॉर्म किया? नहीं सर, खोला भी था। मर्डर वेपन? सर मेरे ख्याल से कातिल ने सर काटने के लिए एक तो चॉपर या करवट का इस्तेमाल किया। सर इसे मिली थी बॉडी। समझते नहीं क्या तुम लोग? हर पॉसिबल तरीके से बताया जाता है, अनजान चीज को मत छो। गलती हो गए सब। वो बैग स्टेशन पे पड़ा था, सोचा उसमें का सामान बेच के 4 पैसा मिलेगा। दलवी इसका स्टेटमेंट ले लो सर, और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। शिंदे सर, सारी चौकियों से पूछो कहीं 40-45 साल के औरत के मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या। सर और ये बैग जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। ओके सर। इसमें कुछ मिला था अंडेल? नहीं सर, बैग से भी कोई क्लू नहीं मिला है। एक काम करो, सायन और धारावी के बैग मार्केट में है, इस बैग का फोटोग्राफ डीलर्स को दिखाओ और पूछो कहाँ कहाँ भेजी गई ये बैग इस ब्रांड की। लेकिन सर ऐसी तो काफ़ी सारी दुकानें होगी। जब तक ये बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती हमारे पास दूसरा कोई क्लू नहीं है। एरिया के सारे मोबाइल वैन्स को इन्फॉर्म करो, बॉडी का सर जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। चेहरा इंसान की सबसे बड़ी पहचान। मुंबई पुलिस को मिली थी इस बार बिना पहचान वाली बिना सर वाली लाश। किसी ने एक औरत को बड़ी बेरहमी से मारा था, उसके सर को शरीर से अलग कर उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया था। सरकटी लाश और सूटकेस, जो भी था पुलिस के हाथ में वो बस इतना ही था। पुलिस के लिए ये लाश जैसे एक पहेली बनकर सामने खड़ी थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कत्ल मुंबई में किया गया था या फिर मुंबई के बाहर से आकर इस बैग को फेंका गया था। बस आ रही है, कहीं और चलते हैं। शायद उस बैग से आ रही है। मत जाओ वहां पे, चलो यहां से। रुको ना, तक पुलिस उस बैग की दुकान को ढूंढती रही और तभी पुलिस को कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पता चला और उनमें से एक की डिटेल्स इस डेड बॉडी के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रही थी। आपने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? जी साहब। कौन है मिसिंग? मेरा भाई और उसकी फैमिली, 3 लोग हैं साहब। मेरा भाई पवन गावित, उसकी बीवी सुमित्रा गावित और उसकी बड़ी बेटी अर्चना 2-3 दिन से लापता है साहब। उन लोगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं साहब और घर भी बंद है 2-3 दिन से। वो लोग पहले नासिक में रहते थे, अभी 1 ही साल हुआ यहाँ पे आए हैं। ये उसकी छोटी बेटी अदिति है। ये कहाँ रहती है? ये नासिक में रहती है साहब। इसका यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया इसलिए ये वहाँ अपने मामा के पास रहती है। और सुमित्रा की उम्र लगभग 40-45 के बीच में? जी साहब। तांडेल इनको बॉडी आइडेंटिफिकेशन को लेकर जाओ। आइए। आइडेंटिफाई हो गई है, ये सरिता जी के भाभी की ही बॉडी है, सुमित्रा गावित। और रिपोर्ट के मुताबिक सर भी बॉडी से मैच हो गया है। अच्छा तो सरिता को लेकर पवन गावित के घर पहुंचो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।
उतर, दरवाजा खुल गया। आप लोग बाहर ही रुके, शायद हमें अंदर ऐसा कुछ मिले जो ये लड़की देख ना पाए। आप यहीं पे रुके। अरवी तगड़ा घर नीट तपासा, कुछ भी निशान, कुछ भी सुराग, कुछ भी धब्बा मिलता है ध्यान से देखो। शिंदे वर्जा सर, ये देखिए खून के डब्बे। और घर भी साफ करने की कोशिश की है। रवि खून के सैंपल लो। सर शिंदे सर वर्का मिला ले? नहीं सर। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलाओ, साइट ऑफ क्राइम है, घर सील करना पड़ेगा। यस सर। चॉकलेट एक साथ खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे तेरे। चल अभी इसे रख दे, ठीक है बाद में खाना। पर आई मुझे खाना है। एक सेकंड। आई तुला भरा होते। ओके। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 23 तारीख को रात को 11 बजे से लेकर देर रात 4 बजे के बीच में हुआ, और मर्डर करने के पहले विक्टिम को नींद की दवाई दी गई थी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिली। उनके घर में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला? नहीं सर, लेकिन सुमित्रा को घर पर ही मारा गया, और मारने के बाद उसका सर काटकर प्लास्टिक बैग में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दिया गया, और बॉडी सूटकेस में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दी गई। मुझे लगता है तांडेल, हमें उस सरिता से बात करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो हुआ है इस परिवार में जिसकी वजह से यह कत्ल हुआ है। बच्ची को आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाना। जाओ बेटा, ये आंटी आपको आइसक्रीम खिलाएगी। सुमित्रा जी, आपके भाई का मिजाज कैसे था? मतलब गुस्से वाला था या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा साधा है मेरा भाई तो। वो नासिक से मुंबई शिफ्ट क्यों हुए? क्या बताऊं साहब, इस सब के पीछे उसकी बीवी सुमित्रा है, उसी के पापों का फल भुगत रहा है मेरा भाई। पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हालत में होगा। ऐसा क्या किया था सुमित्रा ने? खूब कटकटी बाई होती, उधर नासिक में थी तब भी बहुत कटकट करती थी। उसको शुरू से ही मुंबई में आकर रहने का था, फिर जब मेरा भाई उसको मुंबई रहने के लिए लेकर आया तो यहाँ की चकाचौंध देखकर पागल सी हो गई थी एकदम। जब देखो तब इसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता था। मैं कब से आपको बोल रही हूँ, थोड़े से पैसे दो ना मुझको। अरे सोने का भाव मालूम कितना कम हो गया, थोड़ा सा सोना खरीदना सोच रही थी मैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, एक तो महीने का इतना खर्चा पूरा नहीं हो पाता, और तेरे दिमाग में इतना क्या भरा पड़ा हुआ है। तुम्हारे साथ में शादी करके फंस गई मैं, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी पे तुमसे मुलाकात हुई, नसीब फुटला माझा। तो देर कहाँ हुई है, तो जाओ ना छोड़कर मुझे। कब का लेकिन आज तक मुझे सुख नहीं मिला और ना कभी तुम्हारे साथ मिलेगा मुझे। उस दिन मुझे मेरे भाई के लिए बहुत दुख हुआ साहब, बेचारा इतने विश्वास से घर से बाहर जाता है,
इतनी मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, ही असली थेरा। और ऊपर से उसकी बड़ी बेटी अर्चना ने भी गुल खिलाए थे। मतलब साफ है बाबा, मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेऊन दे ना मुस्कटा। हाँ, काय करता है तुम्हें? सब प्यार व्यार भूल जाएगी, जवान बेटी को मारोगे? और कहो पहले इसको बोल अपनी जवानी पर काबू रखे। तू थाम भाई, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम तय करेंगे। तुम्हें शांत बाबा पर बाबा, लेकिन मैं उसे अच्छा तुम गाँप ना, मैं बात कर रही हूँ ना तेरे बाबा से। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। जो भी आए कुछ भी गए, मैं खिलाफ ही रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जवान बेटी के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। डोका भी का फिर लेगा सुमित्रा, तू क्या बोल रहे है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। वो जावेद का बाप दुबई से ये पैसा कमा के लेके आए, अपनी बेटी खुश रहेगी ना उसके यहाँ? हाँ, जहाँ पैसा देखा कि हो गई ये शुरू। मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। ठीक कह रहे हो तुम भाऊ, हमारी बेटी इस तरह से कैसे किसी के लिए? तुम्हें कब बस आओ, मजे बोलो ना, ये हमारे घर का मामला और हम खुद निपटाएंगे इसे। सुमित्रा, पवन क्या काम करता है? किसी प्राइवेट कंपनी में है वो, बहुत घूमने फिरने वाला काम है उसका। और सुमित्रा? सुमित्रा तो घर में ही रहती थी, हाउसवाइफ थी। अर्चना क्या करती है? अर्चना का बस सब कॉलेज खत्म होने को आया है। अच्छा, सुमित्रा का बस यही एक प्रॉब्लम था या और कुछ? किस मुंह से बताऊं मैं साहब, अभी पिछले कुछ दिनों से लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लग गए थे। क्या बुरा भला? मतलब यही कि उसका किसी आदमी के साथ चक्कर था। पहले तो मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन बंदा कौन था? चिकनेश पंड्या नाम का कोई छोटा मोटा बिल्डर है इसी एरिया का। क्या पवन को इस बात का पता चल गया होगा? हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप रहने लग गया था, किसी से कुछ बात नहीं करता था, कहीं आता जाता भी नहीं था। पवन की कोई तस्वीर है आपके पास? साहब, ये बैग इसी दुकान के है। कब खरीदा था? देखिए सर, 22 तारीख को ऐसे 3 बैग्स खरीदे गए। किसने खरीदे थे, यानी उम्र क्या होगी उनकी? अब करीबन 25-26 के आसपास उम्र होगी। अच्छा, वो कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी। कुछ गाड़ी वगैरह लाए थे? पता नहीं सर। दिखने में कैसे थे? अब साहब, हर रोज दुकान में इतने लोग आते हैं तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता हूँ? और वो दो बंदे थे साहब, और उनके साइज में सबसे बड़ा बैग चाहिए था। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। इस अपेक्षा मोटी बैग है, इससे एक साइज और बड़ा है ना, दिखाइए। ये देखिए सर, 45 किलो का कैपेसिटी इसका। अच्छा, 3 बैग पाइजे। ओके सर, मैं मंगवाता हूँ अभी गोडाउन से। हेलो मुन्ना, आपने गोडाउन में से सबसे बड़े 2 बैग्स लेके आना। साहब, उनको थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि मेरे पास वैसे 3 बैग्स नहीं थे, तो मेरे लड़के को गोडाउन में भेज के और 2 बैग मंगवाए, और साहब उसमें एक बैग डिफेक्टिव भी था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल अच्छा बैग मंगवा के देता हूँ, लेकिन वो बोले कि मुझे तुरंत चाहिए। फिर साहब मैंने वो डिफेक्टिव बैग को सोल्यूशन लगा के दे दिया। ये देखिए, ये बैग चिपकाए गए हैं। ये देखिए, मतलब ये काम उन दो लोगों का ही है। डेल, क्या खबर है? सर, ये वही दुकान है जिस दुकान से 22 तारीख के रविवार को उन दो लोगों ने 3 बैग खरीदे थे, बिल्कुल एक जैसे, जिसमें से एक बैग डैमेज था। ये देखिए सर, और वो बैग उस दुकानदार ने चिपका के दी थी, क्योंकि उन्हें वो बैग्स बहुत अर्जेंट में चाहिए थे, वो एक दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। और इत्तेफाक की बात ये है सर, कि ये बैग वही है। तांडेल, मुझे शक है कि यह काम पवन गावित का ही है। सरिता के स्टेटमेंट के मुताबिक
उसके पास अपने बीवी की हत्या करने का मोटिव है। सर लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मर्डर एक हुआ है तो उन्होंने तीन बैग क्यों खरीदे, बाकी दो बैग? एक तो अपनी बेटी अर्चना और उसके आशिक जावेद के लिए। मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेऊन दे ना मुस्कटा। या फिर अपनी पत्नी सुमित्रा का आशिक जिग्नेश पंड्या के लिए। तांडेल उस वेंडर को बुलाओ, उसे पवन की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं सर ये नहीं है, ये तो ज्यादा है उनसे उम्र में, वो दोनों जवान थे इससे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा उन दोनों का हुलिया बताने के लिए। अभी आप जाइए। ठीक है सर, आइए। तांडेल उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन मंगाओ, अर्चना के रिकॉर्ड से उस जावेद का नंबर निकालो और इस जिग्नेश पांड्या को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर, सुमित्रा के साथ मेरे रिलेशन थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कहता हूँ। आप दोनों पहली बार कब मिले थे? उनकी सोसाइटी की मेंटेनेंस मीटिंग में, मैं उस सोसाइटी का बिल्डर था और इसी वजह से मेरा अक्सर वहां आना जाना लगा ही रहता था। तीन चार बार मेरी वही मुलाकात हुई और एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस में आ गई। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मेरा स्टाफ जा चुका था और मैं भी बस जाने की तैयारी में ही था। आप यहाँ इस वक्त कोई खास काम? आप नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों आप निकल रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना अंदर प्लीज। सोसाइटी की मीटिंग में जो कहा था वो? हाँ हाँ यस याद है। अरे आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। ऐसी कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल ही तो है। हाँ बात तो सही है, हाँ लेकिन पहनने वाले के अंदाज पे निर्भर होता है, मतलब उसका अंदाज अगर अच्छा हो तो वो कुछ भी पहने सब अच्छा लगता है। हाँ, आपको मेरा अंदाज अच्छा लगा? मुझे आप अच्छे लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पानी पानी मिलेगा? जी पानी जी। एक मिनट अभी देता हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ? देखिए ना मेरी साड़ी भीग गई हो। बाहर इतनी ठंड है और आपकी साड़ी भीग गई। जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मुझे ठंड कैसे लगेगी? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, मुझसे सुख चाहती थी। वो कुछ दिनों पहले मेरी बीबी को इसके बारे में सब पता चल गया। मैंने जैसे तैसे उसे समझाया, उसे मनाया और सुमित्रा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। आप चाहे तो मेरी बीबी से पूछ सकते हैं। सच कहता हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सर मुश्किल लग रहा है, ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। दो लोग थे, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी है दोनों स्केचेस आज ही फाइनल करके सभी पुलिस स्टेशन को भेजने हैं राउत। सॉरी अब फास्ट। सर ठीक है।
जी कहिए। जावेद है घर पे? जी नहीं। कब लौटेगा? पता नहीं, पिछले 4-5 दिनों से किसी दोस्त के घर गया हुआ है और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने? किसके घर पे गया कुछ पता है आपको? जी नहीं, शायद मुंबई से बाहर गया हुआ है। बताइए ना साहब, उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कि आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई करीबी दोस्त का नंबर है आपके पास? जी, इरशाद का नंबर है मेरे पास। लाइए नंबर, लाइए। जी अभी लाइए। जी लिख लीजिए। जावेद को कब से जानते हैं? बचपन से जानता हूँ साहब। जहाँ कहीं भी जाता होगा तुम्हें तो बता के जाता होगा ना? नहीं साहब, इस बार कुछ नहीं बता के गया। अर्चना को जानते हो? जी हाँ, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं पागलों की तरह। कब से चल रहा है इन दोनों में चक्कर? साल भर से शायद। अर्चना और उसके घर वालों को जावेद ने कमरा दिखाया था। एजेंट है क्या वो? हाँ साहब। तो अर्चना के बारे में भी सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा ना? नहीं साहब, कुछ भी नहीं बताया था। मैंने पहली बार दोनों को एक साथ देखा था और तब जाकर उसने सॉरी बोला। पता है, बहुत घुमाया। तू सुन रहा है? वो देख जावेद। उसके बाद कभी कोई बात हुई तुम्हारी उसके साथ? हुई थी ना सर। हाँ, हर्षा नाम है उसका और बहुत प्यार करता हूँ उससे। ऐसा वैसा प्यार नहीं, एकदम निकाह वाला प्यार। क्या बात कर रहा है? अल्लाह कसम, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं, कुछ भी। अभी कुछ 10-15 दिन पहले जावेद बेहद अपसेट था, मैंने उससे वजह भी पूछी थी। अरे तू यहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। क्या हुआ, क्या है तुझे, इतना टेंशन में क्यों है? हर्षला के घर वालों ने हमारे निकाह के लिए मना कर दिया। ये तो होना ही था जावेद, मेरी मान, तू अर्चना को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। पागल हो गया तू? मैं उसे नहीं भूल सकता, बल्कि भूलना भी नहीं चाहता। अब तो किसी भी कीमत पर मैं उसको पाकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। उसके बाद उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए। अर्चना और वो सोमवार की सुबह घर से भागने वाले थे। क्या, सोमवार की सुबह? हाँ साहब। पुलिस के लिए ये पहेली अब और उलझने लगी थी। पवन ने अपनी बीवी और बेटी से तंग आकर उन्हें और जावेद को मारा है, या फिर जावेद और अर्चना ने अपनी शादी के लिए सुमित्रा और पवन को मारा है। लेकिन सरिता के मुताबिक सुमित्रा को अर्चना और जावेद के निकाह से कोई एतराज नहीं था, तो फिर वो भला उसे क्यों मारेंगे? हर लम्हे के साथ पुलिस की थ्योरीज बदल रही थी, लेकिन इस चर्चा का अंत तब हुआ जब पुलिस को भायंदर के नवग्रह नाके के पास रेलवे ट्रैक पर एक और सरकटी लाश मिली, वैसे ही सूटकेस में। सर, आदमी की बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आदमी लगभग 45-50 के बीच का होगा। सर, मर्डर फिर से उसी तरह से किया गया है, मारने के बाद सर काटा गया और बॉडी को उसी तरह की सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। बॉडी पे कोई निशान? हाँ सर, हाथ पर ओम का निशान है। सरिता को कॉल करो और उसे पूछो कि कहीं पवन के हाथ पे ओम तो नहीं है। सर, वो
मतलब जावेद और अर्चना ने मिलकर पवन और सुमित्रा की हत्या की है? हो सकता है सर। फिर ये तीसरा सूटकेस किसके लिए? और जावेद और अर्चना भाग गए तो आखिर गए कहां? क्या उन्होंने शादी कर ली या निकाह कर लिया? सर, जावेद और अर्चना के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, सोमवार की दोपहर तक जावेद का मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है, नासिक की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और उसके बाद वो बंद हो गया। और अर्चना का फोन तो रविवार से ही बंद है। इसका मतलब जावेद और अर्चना शायद साथ में ही है। मुझे भी यही लगता है सर। पुलिस को अर्चना के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था, और जावेद शाहपुर क्यों गया होगा? सवाल कई थे लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा था। और फिर अचानक इस गुत्थी को सुलझाने वाली एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लग गई। सर, जावेद का मोबाइल ऑन हुआ है और उसका मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है, वो मुंबई की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, वो जरूर अपने घर लौटेगा, उसके घर के पास ट्रैप लगाते हैं। इतने दिन कहाँ था? शाहपुर में था। मर्डर करके शाहपुर में छुप गया था ना? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मर्डर नहीं किया? फिर शाहपुर में क्या लुका छुपी कर रहा था? नहीं साहब, मैं एक लड़की से शादी करने वाला था। हमारा प्लान बना था भाग के शादी करने का। हाँ पता है, अर्चना नाम है उसका। हाँ साहब, आपको कैसे पता? जिसे प्यार किया था उसे ही मार डाला, उसका भी सर काटा क्या? क्या बोल रहे साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हमें देख के भागा क्यों? मैं बहुत डर गया था, मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया था, मुझे लगा आप लोग उसी सिलसिले में आए हो। बहाना अच्छा है, अर्चना कहाँ है बता। चल चल बता। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो उस दिन क्यों नहीं आई थी। मतलब सब सोमवार की सुबह हम भागकर शादी करने वाले थे, मैंने पैसों का सारा इंतजाम करके रखा था, मैं बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहा था, वो नहीं आई। उसको कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर उसका फोन बंद था। मुझे गुस्सा आया और उसके घर गया। तो गुस्से में उसके माँ बाप को मार डाला? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। घर गया तो घर पे ताला लगा था। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। फिर शाम में शाहपुर गया, दोस्त के साथ दारू पी रहा था। तो तेरा कहना है दो हफ्ते तो दारू पी रहा था? नहीं साहब, मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव? फिर गाड़ी कहाँ है? सब दोस्त की गाड़ी चला रहा था, 10-12 दिन शाहपुर पुलिस स्टेशन में था, अम्मी को तकलीफ ना हो इसलिए उनको कुछ भी नहीं बताया। एक दोस्त ने बिल पे रिहा किया। गड़े? सर, शाहपुर पुलिस स्टेशन का फोन लाउन चौकशी करा। हो सर। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये सच बोल रहा है। सर, शाहपुर पुलिस स्टेशन में मैंने फोन किया था, जावेद उस दिन लॉकअप में था मंगलवार की रात से, आज ही छुट्टा है इसलिए उसका मोबाइल बंद आ रहा था। सर, अगर जावेद नहीं हो सकता है तो कातिल कौन हो सकता है? अर्चना खुद? क्योंकि अब तक उसी का ठिकाना नहीं मिला है, या कोई और? एक ही परिवार के दो लोगों को बहरे में से मारा है तांडेल, ऐसे मर्डर सिर्फ वही कर सकता है जो उस परिवार से बहुत ज्यादा नफरत करता हो, और ऐसी वजह सिर्फ जावेद के पास है।
वो तो लॉकअप में था। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। लेकिन वो सुमित्रा को क्यों मारेगा? वो तो शादी के खिलाफ नहीं थी। तांडेल, इस केस में ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वो छोटी बच्ची आदिति, वो किसके पास है? सर उसकी बुआ के पास, सरिता के पास। लेकिन सरिता की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे पाल सके। उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा। तेरा नहीं रहेगा बेटी, अब यही तेरा घर है। हाँ? ले खा ले। तुझा तो इतना प्यार से समझा रही हो, समझ में नहीं आता? रुक, तुझे बराबर करती हूँ। रुक, तुझे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत, मुझे मत मारिए प्लीज, प्लीज मुझे मत मारिए। मैं गाती हूँ, मैं गाती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए कितना सताएगी? हाँ? ले। मेरे मामा को पता चलेगा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ले खा, 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 ये ले, खा, खा, खा। अर्चना जिंदा तो थी, लेकिन कहाँ थी, किसके साथ थी, वो औरत कौन थी और उसने अर्चना को क्यों अगवा कर रखा था? आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे? बेचारी अर्चना तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी। पर कौन कर रहा था ये सब और क्यों? नहीं साहब, कोई अंदाजा नहीं। आपके पड़ोस में दो लोगों को मारा गया, जान से मारा गया, और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? उस दिन संडे था और इंडिया का क्रिकेट का मैच चल रहा था, पूरा बोलना उसी में मशगूल था साहब। अच्छा एक बात बताइए, पवन का या फैमिली के किसी भी मेंबर का किसी के साथ झगड़ा, कुछ बोलाचाली हुई थी? नहीं साहब, ये लोग अभी अभी यहाँ रहने आए थे, लेकिन ये लोग गायब होने से पहले, करीबन हफ्ता भर पहले, मैंने जोर जोर से झगड़े की आवाज जरूर सुनी थी, शायद कोई रिश्तेदारी था उनका। नाम बताया आपको? नहीं साहब, नाम तो नहीं पता, लेकिन झगड़े से लग रहा था पैसों को लेकर कोई मामला है। ऐसे कैसे नहीं देगा, पैसे तो तुझे देने ही होंगे। एक बार नहीं बोला तो समझ में नहीं आता है तेरे को? ए मुझे अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगुन गेंद तुला जा, धमकी दे रहा है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, समझे? ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ये तेरी कमाई नहीं मांग रहा हूँ मैं, जो बाप दादा ने कमाया ना उस पर मेरा भी हक है। तेरा हक है? हाँ, वो कोर्ट में देख लेंगे, चल निकल यहाँ से। हाँ अभी जा रहा हूँ मैं, कोर्ट में देख लूंगा, जा नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। चल, याद रखना। बहुत ज्यादा गुस्से में था साहब। तस्वीर देखोगे तो पहचानोगे? जरूर सर। यही एक फोटो है साहब मेरे पास, इसमें सब लोग हैं, सगे, चचेरे, भाई बहन, बुआ के बेटा बेटी सब लोग हैं। इसमें से किसका आना जाना था पवन के घर पे? ज्यादा तो किसी का नहीं। और जो लोग इनमें नहीं है उनकी तस्वीर मिलेगी? मुश्किल है साहब, पवन के घर और किसी का इतना आना जाना नहीं है। यही है ये? हाँ जी। ये तो किशोर है, हमारा चचेरा भाई, नासिक में रहता है ये। कत्ल के एक हफ्ते पहले वो यहाँ पर आया था और पवन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्या? और पवन के अंतिम संस्कार पे भी नहीं था ना वो? नहीं था साहब,
दरअसल किशोर और पवन के बीच हमारे गांव की पुश्तैनी जमीन के लिए पिछले कुछ सालों से झगड़ा चल रहा था। यहां तक कि दोनों कोर्ट कचहरी पहुंच गए थे। केस अभी आखिरी पड़ाव में है। वकील का कहना है कि केस पवन जीतेगा। आत्या, बाबा क्या जीतेंगे? चंद्राची चंद्राची ग जय कलेनाथ। घबरू नकोस, आज तेरी हल्दी है ना, फिर शादी होगी, तू दुल्हन बनेगी। और शादी से पहले ये रिवाज रहता है, तुझे पता है ना, हल्दी लगाने से दुल्हन के रूप में निखार आता है। चल हाथ आगे कर, चल चल चल। चाहिए तुझे, पूछना है तुझे तो मुझे बताना। रुक, अभी निकालती। हाँ आती। नहीं तूने, बहरी हो गई। कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। आखिर अर्चना के साथ क्या हो रहा था, वो किसके साथ थी? अगर जावेद सच बोल रहा था तो फिर सुमित्रा और पवन गावित की हत्या किसने की थी? अर्चना जावेद से मिलने की बजाय यहाँ किसकी कैद में फंस गई थी? पवन के भाई किशोर का इस पूरे मामले में क्या हाथ था? क्या वो औरत और किशोर एक साथ थे? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, अर्चना की शादी आखिर किससे करवाई जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.